हजर यूनू साम का क़स्ा इस तरीके से है कि हजर यूनूम की कौम इराक़ के शहर नीनवा में थी मौसल का एक मशहूर मकाम है नीनवा की बस्ती और उनकी तादाद क़ुर मजीद के मुताबिक एक लाख या उससे जायद थी अल्लाह रबुलज़त ने उनकी हिदायत के लिए हजरत यूनूस को भेजा वो लोगों को सब तालीम देते रहे तबलीग करते रहे लेकिन उन्होंने कबूल न किया हती कि वो वक्त आ गया कि कौम की मुसलसल गुमराहियों की वजह से हजरत यू सलमाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको बता दिया अब तीन दिन के अंदर अंदर तुम पर आज़ाब आ जाएगा और तुम सब ख़त्म हो जाओगे जब कौम ने यह बात सुनी तो उन्होंने आपस से मशवरा किया कहा देखो भाई हज़रतूसम से हमने कभी झूठ तो सुना नहीं जब बोला है इन्होंने सच बोला है इसलिए इनकी इस बात को बिल्कुल नज़रअाज़ कर देना अच्छी बात नहीं है हमें कुछ मशवर करना चाहिए उन्होंने आपस में मशवरा किया क्या करें कहा कि भाई अगर ये तीन दिन तक यहीं रहते हैं तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं होगा अगर ये चले जाते हैं तो फिर यकी कोई ख़तरे वाली बात होगी अब हजरत यून सामबुज़त के अर्शाद से अल्लाह ताला की इजाज़त से रातों रात इस बस्ती से निकल गए सुबह आदाम आना था जब सुबह हुई और एक सयाह धुआँ और बादल की शक्ल आई और उनके सरों पर मंडलाने लगा तो इनको यकीन आ गया कि ये वही आदाब है जिसका यूनुस अलैहि सलाम ने हमें बताया था तो दौड़े कि यूनुस सलाम को तलाश करें वो कहीं ना मिले अब क्या करें उन्होंने मशवरा किया कि हमें चाहिए कि यूनुस अलैहि सलाम की दावत जो हमें देते रहें अभी कबूल करने तो उन्होंने उस यूनुस अलैहि सलाम के पूरी कौम ने आजाब इलाही देखने के बाद अभी पहुँचा नहीं था आ रहा था देख लेने के बाद पूरी कौम ने खुद ही अखलास नीत के साथ तोबा की इस्तार में लग गए माफ़ी मांगने में लग गए और सारे बस्ती से निकल कर एक मैदान में आ गए औरतें भी बच्चे भी जानवर भी और टाट के कपड़े पहनकर इज्ज़ानकसारी करते रहे के हार रोते रहे और आज़ाब से पनाह मांगते रहे हती कि पूरा मैदान आहोबा से गूंज उठा और अल्लाह रबुल्ज़त ने उनकी तोबा को कबूल फरमा लिया और आया हुआ अज़ाब वापस चला गया तो यूनुस अलैहि सलाम की एक कौम का ये जिक्र मिलता है और ये दस मुहर्रम का दिन था कि आज़ाब इलाही आने के बाद उन्होंने उसको देख के तौबा कर ली इधर यून सलाम इतला दे के गए थे कि तीन दिन बाद आज़ाब आ जाएगा और वो बाहर चले गए जैसे अलैहि सलाम भी रातों रात निकल गए थे तो अम्बिया का ये तरीक़ा रहा अब बाहर निकल गए अब उनको ये अल्लाह के हुक्म से वो कौम को इतला दे चुके थे तीन दिन बाद आज़ाब आना है लेकिन आजाब की कोई आवाज़ कोई असरात कोई बात उन्हें मालूम ना हुई वक्त पूरा हो गया अब वो बड़े परेशान हुए लेकिन उन्हें को कौम की तोबा की इतला कोई नहीं हुई तो वो परेशान थे कि क्या हो क्या ना हो तो उनकी कौम के अंदर एक रिवाज था कि जिस शख्स का झूठ पकड़ा जाए झूठा साबित हो जाए वो अपने ऊपर कोई गंवाना पेश करके कर सके अपनी सच्चाई के ऊपर तो उनको उस बंदे को जो है ना कत्ल कर दिया जाता था उनकी कौम में ये रिवाज था अब वो डरे कि कभी कौम अगर मुझे झूठा समझेगी तो मुझे पकड़ के तो मेरी गर्दन उतारने वाली बात आ जाएगी अम्ब्या करामलाम तो हर गुना से मासूम होते हैं गुनाह इनके दूर भी नहीं गुज़रता बिल्कुल मासूम होते हैं मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते एक फितरत इंसानी है कि भाई अगर मैं वहाँ गया तो मेरे लिए मुश्किल पेश ना आ जाए तो उस परेशानी के आलम में उन्होंने वहाँ से फिर कहीं दूर जाने का इरादा किया तो बड़े रूम में वो पहुँचे और वहाँ समंदर के किनारे कश्ती थी सवारियाँ ले कर आती जाती थी इसमें बैठना चाहा कश्ती वालों ने देखा बहुत नक सूरत बुजुर्ग हैं तो बगैर किराए के बिठा लिया और बाजे तरीके से बिठा लिया आइए जैसे होते ना आप बैठे बरकत होगी उन्होंने बिठा लिया अब ये कश्ती जब चली ना तो रास्ते में एक जगह जाके एकदम ठहर गई अब ना आगे जाती ना पीछे जाती कश्ती वालों ने आवाज़ लगाई कि भई हमारी इस कश्ती की यही शान है कि ये ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसा ग़ुलाम है जो अपने आका से भागा हुआ है वो एक आदमी कश्ती से कूद जाए तो बाकी सारे बच जाएंगे वरना पूरी कश्ती जो है ना वो नुकसान में आ सकती है अदा जूनूस अचानक फौरन बोल उठे कि मैं ही हूँ कि मैं जो कश्ती में बैठा हूँ या अल्लाह से पूछ के हिजरत मैंने नहीं की वो तो मैं इसलिए आ गया कि कहीं मेरी कौम मुझे झूठा समझ के मुझे पकड़ ना ले मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाए तो लोगों का कहा मैं हूँ लोगों ने कहा आप हो ही नहीं सकते इतना ख़ूबसूरत चेहरा मुबारक चेहरा ये कैसे हो सकता ये नहीं हो सकता कहा मैं ही हूँ कहा नहीं आप नहीं हो सकते अब फैसला ये हुआ क़ुरंदाजी की जाए क़ुरदाज़ी की जाए और कश्ती का जिस बंदे का नाम आ जाए उसको फिर कहा जाए कि भई पानी में कूद जाओ आप क़ुरदाज़ी की फसाहमा, हम इन्हीं का नाम आ गया दोबारा उन्होंने की फिर की बार बार की तो हर दफ़ा तो यून सलाम का नाम आ गया उन्हें यकीन नहीं आता था वो कहते थे ये इतने ख़ूबसूरत चेहरे वाले बुज़ुर्ग हैं इनका नाम क्यों आ रहा है तो बहरहाल जब कई मरतबा नाम आया तो हजरत ल सलाम फिर पानी में उन्होंने पानी में आ गए इधर से अल्लाह इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया हुआ था कि मेरे एक प्यारे नबी तुम्हारे पास आने वाले हैं तुमने उनको अपने यहाँ तुम्हारा पेट ये उनकी क्याम बनेगा वो तुम्हारी ग़ा नहीं है इसका ख्याल रखना इधर यूदन सलमाम पानी में आए उधर से मछली ने उनको अंदर लिया वो मुँह फुलाए बैठी हुई थी और हम अल्लाह रबुल्ज़त ने मछली को पहले हुक्म दिया हुआ था कि इनको खाना नहीं है तेरी ग़ा नहीं है और फिर मछली अल्लाह के हुक्म से उनको लेके ज़मीन में तय दर तय नीचे नीचे और पूरा उनको घुमाती रही एक रिवायत के मुताबिक चालीस दिन तक पानी में रहे एक रिवायत के मुताबिक सात दिन और पाँच दिन बाद ने मुख्तलफ तादाद लिखी है लेकिन चालीस दिन की वी हजर अब्दुलबिन मसरूद से रिवायत मौजूद है रजी अल्लाह तन चालीस दिन तक पानी में रहे हकीकत हाल अल्लाह ही को मालूम है जब बहुत नीचे गए ना तो कई अंधेरे थे रात का भी अंधेरा मछली के पेट का अंधेरा समंदर का भी अंधेरा और अंदर एक जैसे इंसान मछली के पेट में कैद या फंसे हुए की कैफियत होती है ना कि आप समझ लें कि अपनी मर्ज़ी से कहीं आना जाना नहीं वहाँ पर हज़रत यूनूम ने अल्लाह को पुकारा कैसे पुकारा हम सब जानते हैं ला लंत सुबह इन्नी गुंतुमिन नजवालिमिन ला लंत सुबहान इन्नी गुंतुमिनिमीन ए ला तू हर ऐप से पाक है तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है बेशक मैं ही जालिमों में से खूब अल्लाह को पुकारा पुकारते रहे पुकारते रहे कुरानी मजीद के अंदर आता है कि अगर ये क़्याम अगर ये मछली के पेट में मेरा जिक्र न करते तो फिर क्यामत तक वहीं रहते लि साफ़ी बकनी ही अला यूम युवासून तो उन्होंने मुझे जब पुकारा तो मैंने उनके लिए आसानी फरमा दी फिर जब मछली के पेट से वो बाहर आए तो मछली के पेट की जो गर्मी थी उसकी वजह से उनके जिसम पे कोई बाल ना रहा और बहुत कमज़ोर हो गए जब बाहर आए तो अल्लाह रबुल्ज़त ने कद्दू की बेल उनके लिए उगा दी और उस पर पत्ते आ गए जिससे उनका साया मिल गया एक जंगली बकरी रोज़ आ जाती जिसका वो दूध पी लिया करते इस तरीके से सुबह शाम वो बकरी आती और वो उसका दूध पी लेते और चंद दिनों के बाद उनकी तबीयत बेहतर होती चली गई और उसके बाद वो अपनी कौम में भी वापस आए और कौम की तौबा का हाल भी उनको मालूम हो गया अब इस क़स्से में समझने के लिए हमारे कौन सी बात है ला अंत इला का इन्नी गुंतु मिनज़्ज़ालिमीन वो भी तो एक मछली के पेट में फंसे थे ना रुके थे गए अल्लाह के हुकुम से गए थे आज हम भी किसी ना किसी मछली में फंस सकते हैं किसी के लिए मछली कर्ज़ा हो सकती है वो कर्ज़े की मछली में गिरफ़्तार किसी की मछली को गैर महरम हो सकता है या गैर महरम हो सकती है उसके उसकी सोच में गिरफ़्तार और किसी के लिए कोई मछली किसी के लिए कोई मछली हम भी हालात की मछली में अगर फंस जाएं, तो खूब कसरत के साथ ला अला तुमिनम पढ़ें अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी का मामला फरमा दें यकीन के साथ पढ़ना और कैफियत के साथ पढ़ना जितना उसका फ़ायदा होगा और हमारे मशाइख में यह मामूल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है सवा लाख मरतबा आयत करीमा का ख़त्म करते हैं कोई परेशानी कोई बड़ी गम और तकलीफ़ की बात आ जाए तो सवा लाख मरतबा आयत करीमा का पढ़ना बहुत मुफीद लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जमा न करना ये ज़्यादा बेहतर होता है इंसान ख़ुद पढ़ ले घर के दो चार लोग पढ़ लें पाँच लोग पढ़ लें ज़रूरी तो नहीं ना कि एक ही दिन में ख़त्म करना है या पाँच दिन सात दिन में ख़त्म करना है तो कम लोग हों होंखलास के साथ पढ़ने वाले हों इसमें ज़्यादा फ़ायदा है और ये इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो बहरहाल आयत करीमा का जो ख़त्म है सवा लाख मरतबा का ये मशाइ से मनकूल है हम किसी भी परेशानी और गम की कैफियत में हों इसको पढ़ें अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमा देंगे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए